मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह वेलकम टू माय शो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रसल से लाइव आ, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट राइटर खालिद हमीद फारूकी साहब थैंक यू सो मच खालिद साहब फॉर ज्वाइनिंग माई शो बहुत शुक्रिया आपका आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा मामला दरपेश है कल से उसके पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है मैंने भी उसके पर मैं एक विलॉग कर चुकी हूं जो भी आ, मेरा स्टैंड था मैं उसको आप तक पहुंचा चुकी लेकिन एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करना जरूरी था जो उस वक्त वहां पर मौजूद हो जब ये इजलास हुआ हो खालिद साहब ब्रसल्स में होते हैं और उनको इन साइड स्टोरी मालूम है कि इन इजलासों में होता क्या है वहां पे हुआ क्या और ये जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि सत्ताईस में से ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जो है वो तो कंप्लीट कर लिए थे एक पॉइंट आखिर पॉइंट क्या है वो कौन सा पॉइंट है और आपको ये भी बताती चलूं कि बहुत से लोग मैंने देखा कि उसके बाद से अब ये कहने लगे कि कोई बात नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान पहले भी तीन साल हो गए तो अभी तो अभी इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर आप पूरी डिटेल में जा रिसर्च करें तो बहुत बड़ा नुकसान होता है कोई कहा जाता है तकरीबन कम या ज्यादा हो सकता है टेन बिलियन डॉलर ईयरली नुकसान होता है इसका कि आपको कर्जे नहीं मिलते आपको बहुत सी चीजों में आपको शामिल नहीं किया जाता एड के हवाले से बहुत सारी चीजें और फिर एड द एंड सैंक्शंस भी लग सकती हैं तो खाली साहब आपकी जाने पहला सवाल सर ये क्या मामला हुआ इनसाइड स्टोरी जरा मुझे बताइएगा वहां पर इजलास में ये जो कुछ हुआ कहा ये जा रहा है कि जी 26 में तो कर लिए थे सिर्फ एक पॉइंट रह गया था तो उसके ऊपर ये किया गया हमारे साथ आ, देखें बात दरअसल ये कि पाकिस्तान 2018 जून में गया था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में और उसके बाद कंट्री प्लान इनको दे दिया गया था सत्ताईस नुकात पर मुश्तमिल कंट्री एक्शन प्लान वो कहलाता है जो एफ़ ए टी एफ तैयार करता है शवाद की रोशनी में तो उस सिलसिले में जो पहला रिव्यू हुआ था दो हज़ार जून दो हज़ार के बाद पहला रिव्यू जब फरवरी में आया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने चौदह पॉइंट इसके कम्प्लीट किए थे और उसके बाद बहुत आहिस्ता हो गई रफ्तार तो 2000 2000 अक्टूबर 19 तक आ, पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 16-17 के करीब इसके पॉइंट मुकम्मल कर चुका था लेकिन उसके बाद और भी रफ़्तार थे आहिस्ता होती चली गई फिर पाकिस्तान ने साथ कर लिए तो अब जो फ़ाइनली जो रिव्यू ये वाला था फ़ाइनल रिव्यू तो नहीं है अभी पता नहीं कितने रिव्यू आने हैं जो फरवरी जो इक्कीस से लेके पच्चीस तक का जो रिव्यू हुआ है पाकिस्तान का उसमें पाकिस्तान को ने छब्बीस पॉइंट एफ के कंट्री एक्शन प्लान के मुकम्मल कर लिए हैं एक रह गया है लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो आखिर में पाकिस्तान पॉइंट कंप्लीट कर रहा है वो मुश्किल तरीन पॉइंट हैं और उसमें ख़ास तौर पर ये जो सताईसवा है इसके छः सेक्शन हैं जो कि प्रेसिडेंट ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में Uh, और जो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेमो निकाला था उसमें दिए हैं और उसमें सबसे इम्पॉटेंट जो पॉइंट uh, है वो है यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है थ्री वन थ्री सेवन थ्री थर्टीन थ्री जिसके तहत तमाम डिजिग्नेटेड जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में यू एन डिज़िग्नेटेड दहशतगर्द और एंटिटीज उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर रहा है उन लोगों को उन पर मुकदमे चलाने हैं अदालत में और उन्हें प्रोसिक्यूट करना है और वो इतनी बड़ी तादाद में है कि उस अमल को मकमल करने के लिए कल जो है वो जो फ़ाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि एफ ए टी एफ में पाकिस्तान के नगोशिएटर भी हैं अमाद अजहर साहब उन्होंने कहा है कि अगले बारह महीनों में हम कंट्री प्लान कंप्लीट कर लेंगे फ़ाइनली फ़ाइनली इन्होंने पहली दफ़ा लोगों को ये बताया है कि अभी भी एक साल लगेगा और इन्होंने हर रिव्यू पर यही कहा है कि हम निकल रहे हैं और बहुत धमाके से ये कहते थे कि हम निकल रहे हैं और पूरा पाकिस्तानी मीडिया को इंस्ट्रक्ट करते थे ये कि वहाँ ये एक नैरेटिव चलाएं और ड्रम पीटें कि हम निकल रहे हैं और इसकी ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान जाहिर है कि बहुत सारे मामल पाकिस्तान के चलते रहे हैं 2008 से पाकिस्तान को एफ वार्न करता रहा है 2012 में ग्रे लिस्ट में ले गया था पाकिस्तान को और 2015 में जो शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर ख़जाना थे डार थैंक्स टू हिम के उन्होंने इसको बाहर निकाल लिया था और पाकिस्तान की रेटिंग भी ठीक हो गई थी बिजनेस भी चल पड़ा था तो पाकिस्तान को उसी तरीके से अपनी एफ़र्ट्स करके तेजी से इसकी कंप्लाइंस करके ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहिए तो इस ये और फिर ये कि बहुत टेक्निकल बुनियादों पर है पॉलिटिक्स है डेफिनेटली इसमें लेकिन ये टेक्निकल बुनियादों पर है पाकिस्तान को एक टेक्निकल प्रोग्राम दिया गया है और ऐसी बात नहीं हम जैसे लोग हमेशा यूरोपियन लीडर्स को प्रेशराइज करते हैं यूरोपियन लीडर्स से पूछते हैं कि पाकिस्तान को आप सिंगल आउट करके आपने इतना बड़ा टेक्निकल प्लान दिया है तो इसकी पॉलिटिक्स भी है पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर जैसे मैंने यूरोपियन कमीशन और यूरोपन वज़ी खारजा मोगरीनी से मुतद बार कहा कि आप पाकिस्तान को क्यों नहीं सपोर्ट करते पाकिस्तान की इकानमी प्रॉब्लम में है और ख़ास तौर पर कोविड वगैरह जब आया तो उन्होंने ये कहा कि जी इसका हम सियासी तौर तो पर कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर पाकिस्तान जो टेक्निकल बुनियादें हैं टेक्निकल मसाइल हैं और उनको जो प्लान दिया गया है उनको वो हल कर लें अपनी आ, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ को इंटरप्रवेंशनल मनी लॉन्ड्रिंग के दहशत गर्दी के इश्यूज को टेरर फाइनेंस के इश्यूज को तमाम को कम्पलाइंग कर दे तो उनको जाहिर है कि वो बाहर आ जाएंगे तो ये इनका एक मौक़ रहा है पाकिस्तान में क्योंकि डोमेस्टिक ज़रूरियात हैं पॉलिटिक्स की तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है मिसगाइड किया जाता है उसके लिए स्टेट टेलीविज़न और स्टेट ऑपरेटर्स के अलावा वो तमाम लोगों पर दबाव डाला जाता है जो स्टेट से ताल्लुक़ नहीं रखते वो भी मीडिया वही कहता है तो वो पाकिस्तान में तो एक नैरेटिव की और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की और खल्फशार है वहाँ पर जिसकी वजह से हम इसमें गए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके मतलब कि वो क्या जितने भी हमसे हमसे बस बनता है मेन स्ट्रीम मीडिया में हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सच और सही और मेटिकुलस इंफॉर्मेशन दें जी दुरुस्त खालिद हमीद फारूक की साहब जिस तरह आपने ये फरमाया कि इसहा डार के दौर में जो है वो पाकिस्तान उससे बाहर निकल आया था उससे पहले जो उससे पहले भी जा चुका है पाकिस्तान इसमें फिर कुछ अर्सा नहीं रहा तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान फिर इसमें चला गया क्या आप इस पे रोशनी डाल सकेंगे और एक और बात जो आपने कही कि इनको ये पहले से ही कह दिया गया था तो अब ये जो एक ट्वेंटी सेवन्थ पॉइंट जिसमें आपने बताया कि क्या क्या, क्या क्या कुछ करना है तो क्या इनको मालूम नहीं था कि ये वाली चीजें अगर हम हमने हमने करनी है डेफ़िनेटली मालूम है लेकिन क्योंकि जो हमारे मसाइल हैं वो बहुत अरसे से चले आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने इंजीनियर सोशल इंजीनियरिंग की है उसमें वो इस तरीके से मसाइल पेचीदा हुए हैं कि उन मसाइल को क्यों पेचीदगी से निकालने के लिए हमें बहरहाल बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ रही हैं और स्लो प्रोसेस बहुत स्लो है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेवामी मसाइल भी हमारे हैं हमारी सरहदों में पर जो मसाइल हैं और उसके अलावा हमारे अंदर जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं और ये एक बात पाकिस्तान के आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो एम एल जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का, का जो इशू है उससे ज़्यादा वो हैं टी एफ के टेरर फाइनेंसिंग के इशूज़ हैं

प्रवेंट करें मनी लॉन्ड्रिंग को और ख़ुद एशिया पैसेफिक ग्रुप जो कि एफिलियट है एफ का उसने आके पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी है और जो हमारा मॉनिटरिंग यूनिट है हमारा जो नेक्टा है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे तकरीबन इकतीस इदारे काम कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन के ऊपर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से और तनदही से काम कर रहा है लेकिन हमारा जो टाइनेंसिंग का इशू है वो अभी तक मौजूद है जो कि सत्ताईसवें पॉइंट में बहुत एलेब्रेट किया गया है तो हमें फाइनेंसिंग हमारे जो उसके लूप पोल्स हैं उसको अब भी जो इंतहा पसंद तनज़ीमें हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं और ये वो इंतहा पसंद तनजीमें जिस तरीके से एक्सपोज होती हैं जाहिर होती हैं उनसे जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के निकलते हैं वो तमाम रिपोर्ट होते हैं यहाँ पर और इसके अलावा जो बहुत सारे जो तरीक़ेकार है एफ एफ का वो ओपन नहीं है हमारे लिए वो ओपन अच्छा। नहीं हाँ वो हमारे लिए ओपन नहीं है उसमें बहुत सारे टेक्निकल मसाइल हैं कि एवेल्यूशन जो हमारी ई एम ई आर रिपोर्ट म्यूचुअल एवेलुएशन जो रिपोर्ट हमारी बनती है जिसे एशिया पैसिफिक ग्रुप बना के हर साल देता है एफ ए टी एफ को उस उसको जो बनाने के बहुत सारे तरीक़ेकार पोशीदा हैं जो हमें नहीं पता होते तो उनका एक तरीक़ेकार है एवेलन रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ें लेके जाते हैं एवेलेशन रिपोर्ट जो है वो फिर रिव्यू जो कमेटी है उसके सामने पेश होती है तो हमें इस पूरे निज़ाम को जब हम समझ लेंगे और हम हमारा मीडिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो मीडिया दबाव में है वो मिसलीड नहीं करेगा और दो 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 तीन तीन मिनट के जो है वो सनसनी खेज बयान जो कि एस्टेब्लिशमेंट के, के नरेटिव की वजह से वहाँ बयान होते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहूदी साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्या करेगा वो तमाम टेक्निकल और लीगल जो पैरामीटर्स हैं आ, इंटरनेशनल लॉ के और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के जो बैन मालियाती निज़ाम में हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं हम वो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान वो ज़ाहिर है कि वो वो इस्तेमाल करेगा दबाव भी डालेगा उनका क्लाउड भी बहुत है इंफ्लुंस भी बहुत है और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं उससे दबाव भी आएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे निकल नहीं सकते हमें लोगों को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे मसाइल हैं हम हमारी जो फ़ॉरन पॉलिसी के अहदाफ रहे माजी में वो आ, सही तरीके से तय नहीं किए गए थे अनडेमोक्रेटिक थे डिक्टेटरों ने तय किए थे उन लोगों ने तय किए थे जिनको सूझबूझ नहीं थी जो पोलिटिकल प्रोसेस को नहीं समझते थे और वो ये समझते हैं अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान का क्या कर लेंगे आप पाकिस्तान का डेफिनेटली कुछ नहीं कर लेंगे आप लेकिन पाकिस्तान के अवाम को गरीब आप कर देंगे मफलूक हाल आप कर देंगे हस्पतालों से महरूम आप कर देंगे तालीम से महरूम कर देंगे ना आप देखें कि एफ के जो रिस्ट्रक्शन हैं उसकी वजह से बिज़नेस शदीद तरीन मुतासर हो रहा है अब तक थर्टी एट बिलियन डॉलर का आपको नुकसान हुआ है ये गवर्नमेंट का इस, आ, इस्टिमेशन है पाकिस्तान के वजीर खारजा ने यह बात कही है तो थर्टी एट बिलियन डॉलर और इसके अलावा एक छोटी सी ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो आजकल तक करनी पड़ती है तो आप फिर वो ये पाकिस्तान के छोटे छोटे सामाई सैमी नोयत की जो इंडस्ट्री है उसको जो ब्लैक लिस्ट होने की वजह क्योंकि आप यूरोपी कमीशन की जो मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग की लिस्ट है उसमें ब्लैक लिस्ट है तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने हिदायत की हुई है यहाँ बैंकों को कि पाकिस्तान के, के बैंकों से और पाकिस्तान के बिजनेस से तजारत करते हुए आप मोहतात रहें रहने का मतलब इसी तरह होता है कि क्रेडिट लाइन आपकी अगर 100 डॉलर की खराब हो गई है तो आपको फिर घर खरीदने के लिए नहीं मिलता आपको पचास रुपए की चीज कोई किस्तों पर आप नहीं ले सकते एक दफा आपका जो है अगर क्रेडिट लाइन आपकी क्रेडिट कार्ड में खराब हो जाए तो इसी तरह मुल्कों हाँ। का है कि आज आपके छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में लोगों को बुला के पूछा जा रहा है कि भैया आपने पचास हजार रुपए किस तरह कहाँ ट्रांजैक्ट की थी इसकी ट्रांजेक्शन की आप तफसील बताइए तो आपने हाँ। बहुत ज्यादा अपनी तरक्की के फ्लो को सुस्त कर दिया है और इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पाकिस्तान की गलत पॉलिसियां बनाते ठीक खालिद साहब आपने इतनी तफसील से सारा कुछ बता दिया वो जो लूप होल्स थे वो जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी आपने एक नुकता जिसके ऊपर बात की आपने कहा कि ये जो समझ रहे कि क्या कर लेंगे पाकिस्तान का जिस तरह ट्रेंड भी चलता रहा सोशल मीडिया पे कि जो तालिबान है वो हमारे गार्डियंस हैं जिस दिन ये फैसला आना था उसी दिन ये ट्रेंड चल रहा था आप ये अंदाजा कीजिए इससे पहले जो हमारे एफ एम कुरैशी साहब है उन्होंने जो एक सवाल पे जिस तरीके से वो चुप हो गए थे उससे पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट आती रही तो उसके बावजूद आवाम जो है वो ये कहते कोई बात नहीं क्या कर लेगा मैंने ये पढ़ा बाकायदा सोशल मीडिया पे लोग कह रहे क्या कर लेंगे हमारा कर ले आपने बताया कि क्या कर लेगा कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होता है इस बात से तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो एक माइंडसेट है ये जो एक मेंटालिटी है और जाहिर है कि ये जिस तरह मैंने बात की कि, कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई कुछ सवालों के जवाब ही नहीं दिए गए जिस तरीके से कल एक ट्रेंड चलता रहा तो ये चीजें भी वहां पर पहुंचती हैं क्या आप समझते हैं कि ये जो एक नेगेटिव होता है इसका भी वहां पर असर होता है या वो बस वही नुकता देखते हैं जो उन्होंने कहा है नहीं देखें जो वो तो एफ ए टी एफ जो है, लेट से एक टेक्निकल को देखती है कि टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं अब लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप टेक्निकली लेकिन कर क्या रहे हैं आप टेक्निकली टी एल पी आपके यहाँ मुल्क आपका बंद कर देती है आपका लॉर्ड डिस्टर्ब कर देती है वही तो उनको वो दहशत गर्द कहते हैं और जो आप बताते हैं जो रिपोर्ट में देते हैं उससे प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है पाकिस्तान में उसके असरात तो पड़ते हैं मैं इस बात पर आता हूँ जो बार बार ये कह रहे हैं सब हो जाता है ठीक सब ठीक नहीं होता चालीस साल से सब ठीक नहीं हुआ एक गवर्नमेंट आपकी बीच में सिर्फ आई है जिसको फुल फ्लैश बनवा हिमायत हासिल रही है और वो भी बेनज़ीर भोटों की वजह से अगर पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 2013 तक जब तक रही उसको बहुत सारे फ़वाद उसने हासिल किए बी कम्यूनिटी से जिसमें बिलियंस ऑफ़ डॉलर के इमदाद आपको मिली और सोशल डेवलपमेंट के अंदर स्कूल बनाने में हस्पताल बनाने में रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम शुरू हुए अगर आप देखें 2008 से 2013 तक कितनी शिद्दत से वो शुरू हुए फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो दूसरे धरनों वरनों में उलझ कर रह गई तो उस पर तोह नहीं दे पाई लेकिन आपको जब जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल हुई दस साल के बाद मुशरफ के बाद तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले वह तमाम बेनिफिट ख़त्म हो गए आप आपके इस वक्त जो सूरत हाल है आपकी इकोनॉमी की आपका अट्ठारह अरब डॉलर का एक्सपोर्ट है सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट जो रेमिटेंसेस हैं वो एफ में जाने की वजह से और मनी लॉन्ड्रिंग के ल्यूपोल्स बंद होने की वजह से वो तीस बिलियन के हो गए तो आपको डबल आपके रेमिटेंसेस हैं आपकी एक्सपोर्ट से ये तमाम आपको एक फ़ायदा एफ एफ की रिस्ट्रिक्शन से लेकिन उसी के साथ जो आपका एक फ्लोरिश करता बिजनेस और इंडस्ट्री आगे बढ़ती क्योंकि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बनाएंगे और उसको पैदावार की अपनी मजमू इंटरनल पैदावार का डबल नहीं करेंगे तो आप खुशहाली की तरफ नहीं जा सकते लॉन्ग टर्म आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती देखें मुल्क कहां से कहां निकल गए बांग्लादेश के पास 50 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं इस वक्त और आपके पास और 19 से ऊपर नहीं जा पाते तो ऐसी में नुकसान जो लोग आके तबसरे करते हैं टेलीविजन पे और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे आके ये कहते हैं तमाम आंसूदा हाल लोगों के बच्चे हैं उनको एफ एफ से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बच्चे स्टिल स्कूल में जाते हैं वो जाके बड़े अस्पतालों में आगा खान अस्पताल में फ़ीस भी दे सकते हैं बड़े घर में रहते हैं जनरेटर लगा लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो उन लोगों को आप छोड़ दें अफसोस की बात यह है कि कंपैशनेट आप नहीं है अपने लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए मफलूकहाल लोगों के लिए उन खातिन के लिए जो टेक्सटाइल सेक्टर, सेक्टर में काम करती हैं और में काम करती हैं सेमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती हैं उनकी एक्सपोर्ट यहाँ बंद हो जाती है तो उनकी तनख्वाहों के लाले पड़ जाते हैं उनके घर में चूल्हा बंद हो जाता है उन लोगों से इन लोगों को कोई कमपैश कंपेशन नहीं है ये पुरपागेंडे में लगे हुए एक नेरेटिव आगे बढ़ाए जा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान इतनी मफलूक हाल ही में गरीब लोग हैं इतनी गुरबत हो गई है आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो भाई अगर आप जाहिर है कि ये उन्हीं लोगों का मुल्क है जो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा उनको सब कुछ उनको कभी फर्क नहीं पड़ता जो लोग तीन तीन सौ किनार के महलों में रहते हैं जो बड़े बड़े महलात में रहते हैं बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में रहते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आवाम को इतना फ़र्क पड़ा है कि पाकिस्तान की जो मजमू पैदावार है जाहिर है कि उसकी तलब नहीं है तो रसद नहीं रहेगी इकनॉमिक का बुनियादी तो वो नीचे से नीचे आती चली जा रही है और लोगों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि एक एफ नहीं है सिर्फ जो आपको एफ एफ से बाहर निकालेगा दूसरा जो पैरल प्रोसेस है वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप का जिसके फोर्टी नुकात हैं कंडीशनैलिटी हैं जो आपने पूरी कर रही है उसमें भी अभी दस बाकी हैं तो दस वो हो गई एक के छह सेक्शन ये हो गए सोलह आपको पूरे अभी करने और मुश्किल तरीन पूरे करने बिल्कुल आपने ये जो बात कही है कि लोगों को ये समझने की जरूरत है हकूमत को ये समझने की जरूरत है कि ये एक पॉइंट नहीं है जिस तरह आपने एशिया पैसिफिक की बात की उसके जो कुछ आपके ऊपर कंडीशंस हैं वो जो आपने कंप्लीट करना है और सर uh, अब अक्टूबर में है ना इसका अगला इजलास तो यहाँ पर तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से, से से इन्होंने खास तौर पर जो एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपने ये बताया कि जो यहाँ पर ऐसी तंजीमें हैं और जो ऐसे दहशत गर्दे हैं उनको पकड़ना है उनके खिलाफ मुकदमे चलाने हैं उनको सजाएं देनी है ये कंप्लीट करना है तो अक्टूबर तक तो मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी क्या मुझे तो पता नहीं अगले कई सालों में भी ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही हालांकि इसके बावजूद कुछ ऐसी जमात है जिस तरह जमातो दावा और इसके अलावा हाफिज सईद इसके खिलाफ बहुत एक आ, सबसे बड़ा जो था वो प्रॉब्लम के उ, 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 उनकी गिरफ्तारी का जो है वो तो जानते ही आपके वो गिरफ्तार हैं और सारा लेकिन मुकदमा चलना और दूसरे कई एक बहुत सी जमातें यहाँ पर कलदम जमातें इन सब के खिलाफ मुकदमे चलाना और इनको सजाओं तक तो पहुँचाना आपको लगता है कि अक्टूबर तक हो पाएगा या आपको कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान जो नेक्स्ट इज़लास है उसमें इससे निकल आएगा नहीं देखें ये तो हम अजहर साहब ने खुद कह दिया ना कि अभी जो है वो बारह महीने लगेंगे इसमें लेकिन पाकिस्तान से जो कहा गया था कि आप आठ तंजीमों को कलदम करार दे दें पाकिस्तान ने बहत्तर की लिस्ट उनको दे दी कि जी हमने कर दी तो जब अच्छा एफ ए टी एफ के पेरिस ऑफिस में जो स्पोक्स पर्सन है उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने तो उनको आठ कहा था इन्होंने बहत्तर कर दी लेकिन असल में कोई की कोई नहीं है बात यह है कि और ये तो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग बात कहते हैं कि आप पाबंदी जैसे ही एफ ए टी एफ की जो है, लिस्ट करीब आती है तो उसके बाद हमें मैमू दे दिया था कि हमने ये ये कर दिया है एक दिन पहले या दो दिन सर, पहले सर सॉरी सॉरी टू कट यू आपने कहा उन्होंने कहा कि आठ तंजीमों के नाम दिए इन्होंने बहत्तर तंजीमों के दे दिए कि हमने इनको तो मतलब बहत्तर तंजीमें हैं यहाँ पे एदा, दहशत की बहत्तर क्या सौ से ज्यादा हैं बहत्तर अब अरे छोटे छोटे इलाकों में है आप देखे उनके उन्होंने इन्होंने जो आठ की थी वो सिर्फ ये मुझे दो 2019 uh, में दो uh, नहीं 2019 में नहीं बल्कि 2018 के uh, जून वाले इजलास से पहले दो दिन पहले इन्होंने उनको नोटिस किया कि हमने आठ तनजीमें जो हैं वो बैंड कर दी हैं अच्छा वो आठ तंजीमें वहाँ पर ये एक आम प्रसप्शन है कि दो दिन तीन दिन, दिन पहले प्रेशर से निकलने के लिए तंजीमों को बैन करते हैं और फिर वो uh, उसी तरीके से काम कर रही होती हैं तो बात दरअसल ये है कि एक परसप्शन भी आपका बन गया है आ, पाकिस्तान की जी, आ, जी। इस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं तो वो तमाम तनज़ीमें और वो तमाम एक्टिविटी को इन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल किया है जो इससे कबल पिछले नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट के कहने के बावजूद नहीं किया बल्कि उनको ही बैंड कर दिया नवाज़ शरीफ को बाहर कर दिया लेकिन उनके उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उस वक्त बैंड इन्होंने नहीं किया और ये बात नहीं है कि ये आप गए हैं एफ में 2018 में ये उन्होंने कहा है आपको में कि ये ये कीजिए अदरवाइज उधर जाएंगे आप दो तीन साल उस पर बैठे रहे कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान को तेजी से अपने मामला को हल करना चाहिए और जो क्योंकि दुनिया में आप सिग्नेटरी हैं एफ के एफएटीएफ एफ यूनाइटेड नेशन का चैप्टर है ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी एक मुल्क की नहीं है जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर का ताल्लुक है तो पॉलिटिक्स तो आएगी लेकिन जो कुछ आपके लीगल पैरामीटर्स हैं और लीगल रिक्वायरमेंट हैं और जिन जिन माहिदों पे आपने दस्तखत किए हुए हैं उन्हें कानून की रोशनी में उन पर अमल करें तो आपके लिए बेहतर है और इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान की इकोनमी को सहारा देने के लिए और इस प्रोपेगेंडे को भी जो आपके मुल्क में आप करते हैं कि आप शुरू हो जाते हैं कि जी यहूदी लॉबी है फलानी लॉबी है इससे आप गुरेज करें क्योंकि इससे बैन अवी सतापें और बीता में बहुत ज्यादा आपका जो डोमेस्टिक नारेटिव चल रहा है उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है आप हाँ। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपने हाँ। डोमेस्टिक नारेटिव चलाया डॉक्टर शीरी मजारी ने कि फ़्रांस के जो सदर हैं वो फैशिस्ट हैं या नाजी हैं उसके नतीजे में आपकी जी सस्पेंड हो गई जी प्लस सस्पेंड सस्पेंड uh, करने की उन्होंने दरखास्त दे दी यूरोपियन कमीशन को छह सौ इक्यासी वोटों की अक्सरियत से रेजोल्यूशन हो गया आपके खिलाफ आपने एक ट्वीट कर दिया ये ट्वीट का जवाब है श्री मजारी का जो ट्वीट प्रेजिडेंट मैक्रो के खिलाफ है और उन्होंने जो आपसे दरखास्त की कि भैया आप कुछ मामला को ठीक करें और जो उनके इंटरनल मामला हैं देखे ना बात दरअसल ये है कि फ्रांस में पांच मिलियन मुसलमान रहते हैं फ्रांस की दस फीसद आबादी मुसलमान है जिसमें 95 परसेंट अलजेरियन है अल्जेरिया तो एफ में नहीं लेकर आते ना उनकी कोई मदद बंद करते हैं ना उनको कुछ कहते हैं आपकी के पीछे फ्रांस आप ऐसी क्या करते हैं ऐसी चीजें क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ एक नेरेटिव को जनरेट करता है वो नरेटिव बाउंस बैक करता है तो आप बहुत सोच समझ के चलें और इस आ, हकीीक हकाइक को आप एक्सेप्ट करें और निकलें इससे किसी तरीके से जान छोड़ाएं तेजी से करें लोगों को गिरफ्तार आपने हाफि सईद को बंद किया जितने भी हैं जो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं आप प्रोसिक्यूट करें अदालत में लेके जाए मुकदमा चलाएं जिसको रहा करना है उसको रहा करें जिससे सज़ा दें और अपनी फाइल एफ ए टी एफ के सामने रखें ताकि इससे आप निकल सकें और एफ ए टी एफ का मैं आपको बताऊँ तरीकेकार क्या है कि इसके अंदर चार कैटेगरीज हैं जो कंप्लायंस की भी जो कैटेगरीज हैं वो चार हैं उससे मिलके आपकी जो है ना फाइनल रिपोर्ट बनती है एक है उसमें चार कैटेगरीज में एक सी है कंप्लाइंट एक एल सी है लार्ज लार्जली कंप्लाइंट एक सी एक पी सी है पार्शली कंप्लाइंस और एक है एन सी नॉन कंप्लाइंस उसके एविल्यूएशन में चार्ट बनता है फिर जाके फाइनल वो होता है म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट में उस वो रिपोर्ट रिव्यू कमीशन के पास जाती है और रिव्यू कमीशन उस रिपोर्ट की रोशनी में आपको ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का फैसला करता है आखिर इस मुल्क से घाना निकला भी तो है लेकिन पाकिस्तान का फिर मैं आपको बता दूं ये मसला मनी लॉन्ड्रिंग का अब नहीं रहा है ये अगर आप बंद नहीं करेंगे थर्टीन सेवन थ्री के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक तो आप इससे नहीं निकल सकते खाली साहब आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो कुछ वहां पर हुआ जो एक तरीका कार है जो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टेक्निकल पॉइंट्स पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और क्या चीज गलत हो रही है आपने ये जो बात की सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप अपने आप का कंपैरिजन जो है ना हमने इस आवाम को ये सिखा दिया है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं सुपर पावर्स के साथ हम कहते हैं कि अगर माजी में पास्ट में अमेरिका ने जो है वो वाशिंगटन में बुलाकर इनको रखा दहशत गर्दों को तालिबान को इनसे जो है निगोशिएट किया ये सब कुछ हम कहते हैं हम ये भूल जाते हैं कि वो सुपर पावर्स वहीं की वहीं हैं और हम जानते हैं वहीं के वहीं हैं तो किसी जो बातचीत करना टेबल पर आना और बात होती है और उनको अपना सब कुछ अपना बाप मानना और उनके लिए अपना जो ट्रेंड चलाना कि वो हमारे गार्डियंस हैं ये एक और बात है तो एनीवेज लेकिन आपका बेहद शुक्रिया आपने बहुत ही डिटेल में सब कुछ के जो, uh, है ना, FATF, ये, ये बात नेशन कोई जो है वो इंसाफ का इन कानून का इधारा है उसमें पांच वीटो पावर है उसके, उसमें बड़े मुल्क है छोटे मुल्क है उसमें रेजोल्यूशन जिस तरह चलते हैं और इसी उसी को रिफ्लेक्ट करता है FATF. बड़े मुल्कों से मुजना करने के बजाय मुकाबला करने के बजाय डिप्लोमेसी करके आप एक फ्रेमवर्क में रहें और नेविगेट करते रहें और अपने जो मफादात हैं पाकिस्तान को उस पर फोकस रखें थैंक यू सो मच खालिद साहब थैंक्स फारूक दोबारा भी आपसे बात होगी यू वेलकम शुक्रिया